कुछ लोग ये पूछते हैं कि मोदी जी ने इन सब पर चुप्पी क्यों रखी हुई है। देखिए, वो तो ये एक तरफ विदेशों का दौरा कर रहे हैं और अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई इंटरनेशनल स्टेट्समैन है, और उसके चलते हुए सीधे तौर पर उस तरह के भड़काऊ बयान प्रधानमंत्री की कुर्सी से वो नहीं देना चाहते। तो इसलिए उनकी सोची समझी रणनीति दिख रही है कि उससे बात नहीं बनेगी। हमको तो समाज में जो लोग जिस तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, हमको उसको काटना है। हमको वो काम करना है जो मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है, वही आज की जरूरत है। हमको जगह जगह अमन समितियों को कायम करना है। अमन समिति क्या होगी? हर संप्रदाय और जो कौम है उनके जो सोबर और रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हमको एक अमन समिति, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर इस तरह की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, वहां पर हमको हर कौम और सांप्रदाय के कुछ चुनिंदा लोग जो कि सोबर हैं और रिस्पेक्टेड है अपने अपने कौम में, उनकी एक समिति बनानी है जो सेकुलर है, सोबर है, रिस्पेक्टेड है, और उनका ये काम है कि भाई ये अलग अलग कौम के जो लोग हैं उनमें आपस में समन्वय बढ़ाएं, उनमें आपस में बातचीत बढ़ाएं, मेल जोल बढ़ाएं, सामान्य जो त्योहार वगैरह होते हैं वो एक सामाजिक तौर पर मनाए जाने चाहिए जिसमें कि सब कौम के लोग शामिल हों, और भी तरह तरह से उनको साथ में जोड़ने का, जिससे कि ये जो अफवाह फैलाने का काम जो सांप्रदायिक ताकतें करती हैं ये सब को हम लोग विफल कर पाए। ये आज सबसे जरूरी काम है। देखिए, भावनाएं भड़का देना वो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी पार्टियां जो मुसलमानों को का वोट लेना चाहती हैं, वो भी यही चाहती हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम समाज आपस में बट जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, मुसलमान की वोट हमको मिल जाए या हिंदुओं की वोट सब हमको मिल जाए। ये कई पार्टियां, कई लोग ये सब कराना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक पॉलिटिक्स है। हमको उसको किसी तरह से भी बढ़ावा नहीं देना है। हमको तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचना है, और ये जो सांप्रदायिकता भड़काने वाले जो तत्व हैं उनको काटना है, उनकी बात को काटना है, उनके प्रयासों को विफल करना है। ये हमारा पहला काम है। आप लोग इस सब में मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को एक इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल का गठन करना चाहिए जिसमें कि इंटरनेशनल लोग आए, हिंदुस्तान के भी कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेड, जिनका कि सारे कौमों में रिस्पेक्ट है, जिनको बहुत सेकुलर और रिस्पेक्टेड माना जाता है, जैसे अमर्त्य सेन जैसे लोग, और कुछ दूसरे देशों के भी, विश्व के ऐसे लोगों का एक हम लोग पीपल्स ट्राइब्यूनल बनाए, जिनके सामने ये सारा एविडेंस जो आप पिछले 2 साल में जो जो चीजें हिंदुस्तान में हुई हैं, जिस तरह से ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का, लोगों को अलग अलग बांटने का जो काम किया गया है, उसका पूरा एविडेंस उस ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाए, वो लोग अपनी रिपोर्ट दें, उससे हिंदुस्तान में भी और विश्व में भी इसके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बने। ठंडे दिल
और ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, भावनाओं को भड़काने से और ये कह देने से कि भाई सब मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाए और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे वगैरह वगैरह, उससे बात नहीं बनेगी। हमको बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से, सद्भावना, जैसे ये लोग सांप्रदायिक भावना भड़का रहे हैं, हमको सद्भावना की भावना को बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। यही मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया प्रशांत भूषण जी, आपने बहुत ही अहम बातें हमारे सामने रखी हैं कि फारसीवादी ताकतों को लक्ष्य कर